आपके अनचाहे जो बाल होते हैं उसको आप कैसे रिमूव कर सकते हैं घर बैठे। आपकी जो दाढ़ी मूछ आ गई हैं, देखिए कई बार ऐसे होता है, मैंने कई लेडीज़ को ऐसे देखा है जिनकी बहुत जो है दाढ़ी मूछ आ जाती है, यानी काफ़ी हद तक उनके फेस पर बाल आ जाती है, उनकी प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाती है कि वो जो है शर्म के मारे अपने फेस को जो है छुपाए फिरती हैं। तो देखिए आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप जो है घर वाली जो रेमेडी है, आप जो है घर की जो रेमेडी है जो कि मैं बताने वाली हूँ, पूरी तरीके से सेफ है गाइस, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इसको यूज कर सकती हैं और ये पूरी तरीके से जो है आपके फेस पर काम करने वाली है। लेकिन आपको जो है इसको थोड़ा टाइम देना होगा, ये नहीं कि एक बार या फिर दो बार में जो है आपके फेस के जो बाल हैं, जो फेस के बाल हैं वो अच्छे से रिमूव हो जाएँ, तो ऐसा नहीं है गाइस, क्योंकि ये घर की रेमेडी है, होम रेमेडी है, तो होम रेमेडी थोड़ा सा टाइम लेती है लेकिन काम जो है बहुत अच्छे से करती है। ये कॉस्मेटिक जो क्रीम होती है वो जो है 1 से 2 घंटा या फिर 5 मिनट में रिजल्ट दे देती है, लेकिन उससे क्या होता है हमारे जो बाल होते हैं बहुत हार्ड आते हैं और पहले की गुना जो है कई गुना आते हैं, यानी कि पहले के मुकाबले जो है थोड़ा बढ़ के आते हैं। मान लो हमारे फेस पे 2 से 3 बाल हैं और हमने क्रीम को यूज किया है जो कि कॉस्मेटिक की क्रीम है और उसको हमने अपने फेस पर अप्लाई किया है, तो उससे जो है रिमूव तो हो जाएंगे 2 से 3 मिनट में, लेकिन जब दूसरी बार हम अपने बालों को रिमूव करेंगे तो हम देखेंगे 3 से 4, यानी कि उनकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ चुकी होगी। तो ऐसा आप भी नहीं चाहते हैं कि आपके बालों की जो ग्रोथ है वो बढ़े और आपके जो बाल हैं वो हार्ड हो या फिर आपके बालों की जो क्वांटिटी है वो बढ़कर आए, तो ऐसा नहीं चाहते हैं, तो आप इस रेमेडी को यूज कर सकते हैं, क्योंकि इस रेमेडी से आपके बाल जो हैं पूरी तरीके से रिमूव होंगे और बिल्कुल आपकी जो बालों की ग्रोथ है कम होगी और आपके जो बाल हैं बहुत सॉफ्ट आएंगे, यानी कि हार्ड बाल आपके फेस पर नहीं आएंगे और जी धीरे धीरे करके आपके बालों की ग्रोथ भी कम होती जाएगी। बहुत अच्छी रेमेडी है गाइस, आप इसको ज़रूर से ट्राई करना, क्योंकि बालों की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा लेडीज़ों में देखने को मिल रही है, तो आप इस तरीके से इस रेमेडी को बनाएं और अपने फेस पर अप्लाई करें और आपको रिजल्ट अच्छा मिले तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर से छोड़ के जाएं ताकि और लेडीज़ों को भी मोटिवेशनल मिल सके। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले आपको एक खाली कटोरी लेनी है और उसमें आपको लेना है सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट्स है वो है जौ का आटा। जी हाँ, आपको यहाँ पर लेना है जौ का आटा, कोई बेसन नहीं लेना है आपको, कोई आटा नहीं लेना है, यहाँ पर जौ का आटा ही आपको लेना है। अब आप सोच रहे होंगे जौ का आटा हम कहाँ से लाएं, देखिए ऑनलाइन भी मिल जाएगा या फिर आप जो है मार्केट से भी ला सकते हो। जौ का आटा हमारे बालों को रिमूव करने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है और हमारे रंग को बहुत अच्छे से निखारता है। ये उपटन में यूज होता है गाइस, आपको पता भी होगा, और उपटन हमारे फेस को कितने अच्छे से निखारता है ये तो आप लोगों को पता ही होगा। तो आपको यहाँ पर जौ का आटा लेना है, मैंने 1 चम्मच लिया है जो कि छोटी चम्मच है, और इससे आपको लेना है दूसरा इंग्रीडियंट्स, यहाँ पर मैं ले रही हूँ ये खाने का सोडा है जो कि मैं इसका ले रही हूँ 1/4 हिस्सा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको बेकिंग सोडा लेना है, बेकिंग पाउडर नहीं लेना है गाइस, बेकिंग सोडा, मीठा सोडा, जिसे मीठा सोडा बोलते हैं वो वाला सोडा आपको यहाँ पर लेना है। इसे खाने में भी यूज किया जाता है, लेकिन आपको केक पेस्ट्री वाला सोडा नहीं लेना है क्योंकि वो बेकिंग सोडा नहीं होता, बेकिंग पाउडर होता है, इस बात का आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। और जी इसमें जो लास्ट में आपको लेना है, लास्ट में नहीं एक चीज़ और आपको लेनी है, वो है हल्दी। देखिए हल्दी जो हमारी एंटीसेप्टिक होती है, एंटीबायोटिक होती है, तो हल्दी आप ज़रूर से ऐड करें। मैं यहाँ पर 1 पिंच भर के हल्दी ले रही हूँ और ये कस्तूरी हल्दी है। आपके पास कस्तूरी हल्दी नहीं है तो आप नॉर्मल हल्दी भी ले सकते हैं, यानी कि किचन वाली हल्दी भी आप यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। 3 से 4 चीज़ इसमें हो गई हैं, आपको 2 चीज़ और ऐड करनी है, क्या ऐड करनी है तो चलिए मैं बताती हूँ। तो देखिए तीसरा जो आपको चीज़ लेनी है वो है हनी, यानी कि शहद। तो यहाँ पर आपको शहद लेना है, शहद कितना लेना है तो देखिए मैं 1 चम्मच भर के शहद लूँगी, आप देख सकते हो मैं यहाँ पर जो है 1 चम्मच भर के जो है मैंने शहद लिया है। और जी शहद आपका प्योर हो तो अच्छी बात है, और 1 चम्मच और मैं जो है इसमें शहद ही ऐड करने वाली हूँ। कुल मिला के मैंने यहाँ पर 2 चम्मच की शहद ऐड किया है और अच्छे से आपको इसको मिक्स करना है इस तरीके से।
देखिए, आपको लगता है आपके फेस पर बहुत ज़्यादा बाल है, तब आप इसमें एक से दो ड्रॉप बता रही हूँ मैं, चम्मच नहीं बता रही हूँ, एक से दो ड्रॉप आपको रोज़ वाटर के ऐड करनी है या फिर नारियल के तेल की इसमें ऐड करनी है। लेकिन मैं ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन आपको लगता है कि आपको इसको रिमूव करने में प्रॉब्लम होगी, तब आपको जो है यहाँ पर एक से दो ड्रॉप नारियल के तेल की या फिर रोज़ वाटर की लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने ऐड कर लिया है इसको, यानी कि मैंने यहाँ पर जो है इसको बना लिया है। आप देख सकते हो बहुत अच्छे से ये बनकर तैयार हो गई है। ये क्रीम जो है बहुत अच्छी क्रीम है गाइस, आप इसको ज़रूर से बनाकर अपने फेस पर अप्लाई करें। अपने फेस पर नहीं, अपने हाथों पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं और अपने पैरों पर यूज कर सकते हैं। ये बहुत नॉर्मल तरीका है और बहुत जो है अच्छे से काम करेगी आपके फेस पर। तो इस तरीके से आपको लगा लेना है। मोस्टली क्या होता है ना, सभी के जो है दाढ़ी मूंछ यानी कि अपर लिप्स वगैरह आते ही हैं, तो आपको जो है अपर लिप्स पर इसको ऐड करना है, लगाना है। आपको अपर लिप्स पर जो है इसको लगाना है इस तरीके से, और आप चाहें तो अपने गालों पर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं अप्लाई पर मैं जो है अपर लिप्स पर अप्लाई करके आपको बता रही हूँ। इस तरीके से आपको अप्लाई करना है और इस प्रोसेस को आपको पंखे के नीचे यानी कि फैन के नीचे करना है। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर अप्लाई कर लिया है। फिलहाल मैं आपको जो है अपने अपर लिप्स पर इसको अप्लाई करके दिखा रही हूँ और फिर जो है मैं अपने गालों पर भी इसको अप्लाई करूँगी, क्योंकि बहुत सारी क्रीम अभी बची हुई है जो कि मैं अपने गालों पर, अपने फोरहेड पर अप्लाई करने वाली हूँ। ठीक है, जो कि ऑफ कैमरा अप्लाई करूँगी। आप भी अपने हाथों पर, अपने गालों पर या फिर अपने पैरों पर इसको यूज कर सकते हैं। बहुत नेचुरल तरीके से अपने बालों को साफ कर सकते हैं, बहुत अच्छा तरीका है। और ये जो बाल हैं बहुत कम ग्रोथ के साथ आते हैं, तो इस तरीके से आपको इसको लगाना है और कम से कम 10 से 15 मिनट इसको सुखाना है अपने फेस को। ठीक है, 10 से 15 मिनट के बाद क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ 10 से 15 मिनट के बाद। तो देखिए मेरा जो फेस है वो ड्राई होना स्टार्ट हो गया है और कम से कम 10 से 12 मिनट हो गई है। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा जो काटा आपको हाथों पर लेना है इस तरीके से, ठीक है, और इसको जो है थोड़ा चुटकी पर इस तरीके से रखना है और इस ऐसे डायरेक्शन में जो है इसको रिमूव करना है इस तरीके से, यानी कि ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में आपको जो है इसको रिमूव करना है फिंगर की हेल्प से। थोड़ा सा जो काटा आपको लगाना है और अपनी इस तरीके से करना है। ठीक है, इस तरीके से करना है। बहुत आराम आराम से आपको करना है, आपको जो है रगड़ना नहीं है, जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि उससे आपके फेस पर स्क्रैच भी आ सकती है। इस तरीके से आपको करना है फिंगर की हेल्प से, और आप देखोगे कि आपके जो फेस के बाल हैं कम से कम, अगर तो चार बाल हैं तो चार में से दो ज़रूर से गए होंगे, यानी कि 50% आपके बाल जो है एक ही बार में रिमूव हो जाएंगे। और ये आपको जो है हफ्ते में दो या फिर तीन बार करना है इस तरीके से। देख सकते हो आप, इस तरीके से आपको अपोजिट डायरेक्शन में करते हुए इसको रिमूव करना है। ठीक है, और इससे करने के बाद अपने फेस को वॉश कर लेना है, यानी कि इतने एरिया को आप साफ कर ले, या फिर साफ ना करें तो आपको एक आइस क्यूब लेनी है और अपने अपर लिप्स पर या फिर जहाँ जहाँ आप अपने ये क्रीम को अप्लाई किया है या ये प्रोसेस आपने अप्लाई किया है, तो वहाँ पर जो है आपको आइस क्यूब की मसाज करनी है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आपकी जो स्किन है वो रिलैक्स हो जाए। तो इस तरीके से आपको अपनी दाढ़ी मूंछ को अच्छे से इजीली गायब कर लेना है नेचुरल तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। और मैं गारंटी देती हूँ कि आपके धीरे धीरे बाल बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, कभी फिर बाल नहीं आएंगे इस तरीके से आप रेमेडी को यूज करते हो। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। तो चलिए फिर मिलती हूँ ऐसे ही प्यारी प्यारी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।